Hello everyone, today we come to the last class for binary operations in the basics. Definitely we have more lectures on discussions of questions, but this is the last of on the basics. Binary operations, right? Is lecture mein hum log kya kya karne wale hain? Pehle to hum binary operations samjhenge, uske baad commutative property kya hoti hai, associative property kya hai, distributive, although this is not asked in the board exams, but still hum isko bhi karenge kuch had tak, theek hai? Identity element for any binary operation, what is that? We'll study about that. Inverse of identity element, we'll study that. And how to make a composition table. Although children, this particular topic has been removed from the CBSE from 2020 onwards. Till 2019, it was very much in the syllabus. But yes, it is there in the ISC board. And also in IIT entrance, you can find questions. In NDA entrance, you can find questions. And other engineering entrances like UPTU exams, jo hote hain, alag alag har jagah pe hai. Sirf CBSE se isko remove kiya gaya. Rest everywhere, you'll find it. Theek hai? To chalo karna shuru karte hain. Let us start with the basics of binary operations. Right? It is first of all, let me tell you, it is going to be a very very easy topic. Right? Mushkil bilkul bhi nahi hai. CBSE से हटा है तो मैं ये मानता हूँ कि CBSE के बच्चे जो हैं वो अनलकी हैं कि हटा दिया गया. ये तो फ्री फंड के चार मार्क्स से क्वेश्चन आ जाते थे, यहाँ से चार छह मार्क्स से क्वेश्चन कंफर्म आते थे, तो अननेसेसरीली इसको हटाया गया है. रखना चाहिए था, तुम लोगों को रिक्वेस्ट भेजना चाहिए CBSE को, भाई फिर से इसको एड करो. चलो लेट अस सी, लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट. राइट, एस कोई भी तुम्हारा सेट है विच इज नॉन एम्प्टी. फाइन, मतलब इसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट होना कंपल्सरी है. ठीक है, एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट, रिमेंबर दैट. A function f s cross s. अब यहाँ देखो ये क्या, मैंने क्या बताया, ये क्या होता है, हमारा डोमेन होता है. तो यहाँ पे हमारे पास डोमेन में क्या है, s cross s. That means it is a what? It is a ordered pair, right? This is what? This is an ordered pair. तो यहाँ जो हमारे पास डोमेन होगा वो ऑर्डर्ड पेयर होगा, ये ध्यान रखना. और बाइनरी का मतलब भी आपको समझ में आता है, बाइनरी का मतलब ही टू होता है, बल्कि बाई का मतलब टू होता है. ठीक है, बाइनरी मीन्स नंबर्स इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास डोमेन होगा दैट वुड ऑलवेज बी एन ऑर्डर्ड पेयर, बट यस द आउटपुट विल बी अ सिंगल नंबर. ठीक है, और ये जो तुम्हारा आउटपुट है ये क्या होने वाला है, एस. मतलब जो भी हमारा इनपुट है, इसको तुम एक मशीन की तरह समझ सकते हो. जिन लोगों ने फिजिक्स, तुम लोगों ने फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट. राइट, तुम्हारे पास दो इनपुट्स है और एक आउटपुट है. यहाँ पे भी ऐसा ही है, दो तुम्हारे पास इनपुट्स है और एक तुम्हारे पास आउटपुट है. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे दो ही इनपुट होते हैं इसलिए इसको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं. समझने की बात यह है कि जिस सेट से ए आएगा, जिस सेट से बी आएगा, उसी सेट से ये आउटपुट, अगर मैं इसको सी बोलूं तो ये आउटपुट भी उसी सेट से आना चाहिए. अगर ऐसा हो रहा है तो ये बाइनरी ऑपरेशन वैलिड है, अदरवाइज इट इज नॉट. बाइनरी ऑपरेशन ऑन, बाइनरी ऑपरेशन को जनरली अलग अलग सिंबल से डिनोट करते हैं. दिस यू कॉल्ड इट एज एस्ट्रिक, राइट? इट कैन बी थ्रू एनी सिंबल, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, कैन बी एनी सिंबल. ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड ऑन अ पार्टिकुलर सेट, ध्यान रखना. इस पार्टिकुलर सेट में हमारे पास इसका इनपुट भी होगा और इसका आउटपुट भी होगा. दोनों के दोनों चीजें यहीं से होनी चाहिए, दो इनपुट होंगे और एक आउटपुट होगा. ये सारी चीजें कहां से होनी चाहिए, उसी सेट पे होनी चाहिए जिस सेट पे वो डिफाइंड है, वेदर इट इज सेट ए, सेट एस, व्हाटएवर इज गिवन इन द क्वेश्चन. उस सेट से बाहर ना इनपुट हो सकता है ना आउटपुट हो सकता है. If the output is outside the set, that means the binary operation is invalid, right? I'll give you one simple example to make things better understood to you. Let me give you one very simple example. Let's say simple sa binary operation lete hain, theek hai? We define a asterisk b such that this is equal to a raised to the power b, and this function is defined on the set of natural numbers. This is defined on the set of natural numbers. Now, if I say whether it is a binary operation, let us see. कभी भी मैं किसी भी natural number को किसी दूसरे natural number पे इसमें apply करता हूँ, ध्यान रखना बेटा, ये जो इसमें operation है, right? इसको हम लोग binary operation कह रहे हैं. और इस operation को define कैसे किया गया? A raised to the power b. Always remember a जो यहाँ base है तुम्हारा, that is the first element. Or b is the second element. That means it is going to be what? It is going to be 1 raised to the power 2, which is 1. If I say what is 2 asterisk 1, you should be very clear that is going out to be 2 raised to the power 1, which is 2. Okay?
तो यहाँ पे order definitely matters, right? A asterisk B is not equal to B asterisk A. I mean, not always, and depending on the definition of the function. तो ये चीज हमें बहुत clearly पता लगनी चाहिए कि जो function है उसका order क्या है. अब मैं बोलूँ क्या ये valid binary operation है? तो तुम बताओ क्या इसमें जितने भी output आएंगे for any A and B, where A and B belongs to what? Natural number. क्या जो हमारा output आएगा isn't that a natural number? It is. And that is why, as the output is also on the given set, right? The output is also from the given set. That is why this operation is a valid binary operation. Okay? Now, इसपे एक question करते हैं, so that it is better understood और बेहतर समझने के लिए एक और question करते हैं. मैंने सारे exercises से different questions ले लिए हैं, right? RD Sharma के different exercises से मैंने different questions ले लिए हैं. जैसे अगर आप देखो ये एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है, राइट? वी ऑलवेज स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक थिंग एंड देन ग्रेजुअली वी मूव ऑन टू द बेटर कॉन्सेप्ट्स. अब बोल रखा है क्या क्वेश्चन? डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द गिवन सेट और नॉट. वी जस्ट नीड टू फाइंड वेदर इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन और नॉट. और मैंने क्या बोला, बाइनरी ऑपरेशन चेक करने का सिर्फ एक तरीका होता है, आप ये देख लो कि वो चीज जो है, जो आपका इनपुट और आउटपुट है, वो गिवन सेट से है कि नहीं. तो इनपुट तो डेफिनेटली गिवन सेट से ही होगा. दे क्या, व्हाट आर दे सेइंग? इट इज डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर, राइट? एस्ट्रिक ऑन एन, इसका मतलब क्या है? इस सिंबल का मतलब क्या है? दैट एस्ट्रिक इज अ बाइनरी ऑपरेशन एंड इट इज डिफाइंड ऑन एन. एन का मतलब है दैट द इनपुट एंड द आउटपुट शुड बी फ्रॉम एन. नाउ व्हाट इज दिस? फॉर्चुनेटली दे हैव टेकन द सेम एग्जांपल. ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए रेज पावर बी. तो अभी हमने इसको चेक ऑलरेडी कर लिया है दैट यस, इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज अ बाइनरी ऑपरेशन एज द इनपुट एज वेल एज द आउटपुट इज फ्रॉम एन ओनली. सेकेंड पे आते हैं, अनदर ऑपरेशन दैट दे गिवन इज ओ, राइट? ओ ऑन जेड. जेड इज व्हाट? इंटीजर्स. आई होप यू रिमेंबर ऑल दैट. लेट मी राइट इट ऑन द लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, राइट? यू नो अबाउट नेचुरल नंबर्स, द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ, एंड देन यू हैव होल नंबर्स. होल नंबर्स के बाद नेक्स्ट यू हैव इंटीजर्स. ठीक है, नेक्स्ट यू हैव इंटीजर्स. ये लिख देता हूँ, बहुत बेसिक है, सेट थ्योरी क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ी होगी, बट हाँ ये आगे भी कई जगह पे काम आती रहेगी. सो आई डोंट वांट कि आप थोड़े भी इसमें कंफ्यूज्ड हो. नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, और इंटीजर्स के बाद क्या होता है आपका? रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिसको क्यू से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर्स को. रैशनल नंबर्स के बाद आपका क्या होता है बच्चों? रैशनल नंबर्स के बाद फिर आपके कुछ होते हैं जो इरैशनल नंबर्स होते हैं, राइट? इसको मुझे अलग लेना चाहिए था, बिकॉज़ देयर इज नथिंग कॉमन इन रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स. ठीक है, आई शुड टेक देम सेपरेटली. ओके, सो अगर मैं यहाँ पे ये मैंने रैशनल नंबर दिया, राइट? इरैशनल नंबर के लिए ऐसा कोई सिंबल नहीं है, मैं इसको क्यू कॉम्प्लीमेंट से रिनोट कर देता हूँ. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इरैशनल नंबर्स, राइट? व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to zero. For example, root 2. जब कभी भी rational और irrational दोनों को club करोगे, तुम्हें क्या मिलेगा? Real numbers मिलेंगे, right? और real numbers के बाहर जब हम लोग जाते हैं, हालांकि हमारे syllabus में, CBSE में, ISC में, right? हमारे syllabus में जो भी functions हम लोग पढ़ते हैं, वो real numbers पे ही पढ़ते हैं, ठीक है? But still, you never know. आज morning में हमने एक question किया था, that was from the complex thing. तो अगर ये रियल नंबर है, अगर रियल नंबर के साथ साथ मैं इमेजिनरी नंबर को भी ले लूं, तो इन दोनों का जो कंबाइंड सेट कहलाता है, विच इंक्लूड्स रियल नंबर एज वेल एज द इमेजिनरी नंबर, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर सी. ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको डेफिनेटली ध्यान रहनी चाहिए. आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट? एक एक डायग्राम में आपको सारे सेट्स ध्यान रहेंगे, एन क्या है, जेड क्या है, एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर. ठीक है, और यही सिंबल्स यूज होते हैं, एन, डब्ल्यू, जेड, क्यू, R, Q complement, I, C. These are the standard notations that is being used everywhere, right? अब यहाँ पे Z उन्होंने बताया नहीं कि वो integers हैं. They expect you to understand it and you should identify that. ठीक है? So please be very clear. It's a very basic thing for all of you and it must be understood to all of you. These symbols should be very much there in your mind. So I'm removing it. Okay. अभी यहाँ पे ये कह रहे हैं, हमें ये बताना है a रेस पार b. ये बोल रहे हैं कि इज इट अ बाइनरी ऑपरेशन और नॉट. ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन सिर्फ तभी होगा जब हमारा जितना भी इनपुट तो ठीक है zc होगा, अगर आउटपुट भी इंटीजर है तब होगा. देखो इस तरह के क्वेश्चन में तुम्हें ये चेक करना चाहिए था कि किसी भी एक वैल्यू के लिए ये अनडिफाइंड तो नहीं है, राइट? जैसे मैं जैसे ही इसको देखता हूँ मेरे माइंड में ये आता है कि अगर मैं a की जगह पे 2 ले लूं,
input can be any integer, or b ke jagah pe minus 3 le lu, to what is going to be the output, children? It is going to be 2 raised to the power minus 3. And I hope you understand this is 1 by 8. Does that belong to integer? Definitely no. So would you say that this is a binary operation? No, this is not a binary operation. I hope it is understood, children. If there is any problem, please don't hesitate in asking your doubts. Okay, you can use the chat box, you can use your mic, whatever you want to use, right? If it is clear, let me see your hands, please. Let me see your hands fast. Okay, that's a basic thing. I hope you understand that. Okay. That is fine. That is fine. Okay. Okay, there is one message as well. Please repeat. अच्छा भाई देखो, मैंने सिर्फ ये कहा कि कभी भी अगर इनपुट और आउटपुट में से कोई एक इनपुट, तो आपके हाथ में इनपुट कहां से होना चाहिए? जेड से. और मैंने बोला कि आउटपुट भी जिस पे भी वो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, आउटपुट भी वहीं से आना चाहिए. तो अगर एक भी ऐसा एग्जांपल एग्जिस्ट कर रहा है ना जिसके लिए तुम्हारा आउटपुट गिवन सेट के बाहर जा रहा है, दैट मींस इट इज नॉट अ वैलिड बाइनरी ऑपरेशन. आई टुक ए इज इक्वल टू 2, right? I took a is equal to 2 and b is equal to minus 3. As a and b, they belong to what? Z. ये तो question में दे रखा है कि z से belong करते हैं, ठीक है? As they belong to z. तो मेरे पास ये operation मैंने लगाया a o b, right? What is the operation? A o b. As per the definition, क्या बोल रहे हैं? First element, right? This is the first element raised to the power second element. So first element is 2 and second element is minus 3. What is going to be this? This is going to be 1 by 8. And 1 by 8, definitely, it does not belong to Z. That is why we say that it does not belong to the, it is not a binary operation, right? Because the output does not belong to Z. I hope that is fine. I've got one more message. One may abhi hum B ko minus 2 le to. अच्छा, क्वेश्चन नंबर बेटा माइनस टू इसलिए नहीं ले सकते बिकॉज दे रखा है नेचुरल नंबर. मैंने तभी इसीलिए यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने अभी वो लंबा सा गोला वाला बनाया था. A and B और जो आउटपुट है नेचुरल नंबर है बेटा. नेचुरल नंबर कहां से कहां तक होते हैं बेटा? नेचुरल नंबर तुम्हारे पास 1, 2, 3 ये होते हैं ना यार, नेगेटिव या फिर 0, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नेचुरल नंबर. सो आप वो वैल्यूज ले ही नहीं सकते, ठीक है? ध्यान रखना, इसीलिए इट इज वैलिड एवरीवेयर. आई होप दैट इज फाइन अभिषेक. ओके ओके फाइन. सो कमिंग टू द थर्ड वन, देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बेटा ये. यहाँ पे मैंने तभी बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? Gradually, as we proceed, definitely the level of questions would improve, right? Here as well as in your exams, okay? But yes, we always start with the most basic thing so that you are comfortable in the basic thing. Only then you can, you know, understand the better questions. Chalo, dhyan se dekho, third question bhi discuss kar rahe hain. I'm going to discuss every single question of this set because bilkul simple hai aur yahan se tumhari understanding develop ho rahi hai. Isliye main isko discuss karunga. Dhyan se dekho, third one. Asterisk is on n. That means n matlab aapko pata hai natural numbers. A plus b and this. राइट अभी हमें बताना है कि whether it is a valid binary operation or not. हमें मालूम है कि अगर आउटपुट n पे आ गया फिर तो ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी. तो सिर्फ कुछ देखो, जब कहीं भी तुम्हें देखना हो ना, तुम सिर्फ कुछ ऐसा सोचने की कोशिश करो कि भाई कोई ऐसा नंबर है जिसके लिए n से बाहर चला जाएगा. a और b दोनों के दोनों n से ही है, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे ये सोचूं बेटा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, और फिर अगर मैं थर्ड में जो हमारे पास a asterisk b दे रखा है, as per that it is going to be a plus b minus 2. If I put the values here, a is 1, b is 1 and this is minus 2. This is coming out to be 0. The output is 0 which does not belong to the natural number. And hence what are we going to say? Is it a valid binary operation? Definitely no. The answer is what? No. I hope you people are getting me. Right, in case there is any problem, please don't hesitate in typing your doubts or raising your hand. Right, chalo hand raising ka ek symbol bana lo ki bhai hand raising tum tabhi kar rahe ho, tumhe samajh mein aa raha hai, theek hai? Otherwise you can simply switch on your mic or you can type in your doubts, no problem. I hope that is fine, theek hai? Coming to your fourth question, theek hai, sare question discuss kar lete hain so that you people are comfortable in the basic, right? You, the basic understanding aapki theek se develop honi chahiye. Uske baad fir acche questions apne aap hone lag jayenge aapse. X6 is another, dekho koi bhi binary operation ka color kuch bhi ho sakta hai, theek hai? Matlab color ya fir symbol kuch bhi ho sakta hai. Asterisk hai, O hai, asterisk hai, X6 hai, it can be anything, right? Kisi bhi cheez ko le sakte hai.
इट इज डिफाइंड ऑन 1 2 3 4 5, यानी अब ध्यान रखना आउटपुट हमारा 1 2 3 4 5 के बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और डेफिनेशन क्या दी इन्होंने, ए क्रॉस AX6B is defined as remainder when AB is divided by 6. Okay. हमें ये बताना है, it is the remainder when AB is divided by 6. Okay, let us see. लिख लेता हूं, देखते हैं कैसे इसको वेरीफाई करना है। तो ये जो डेफिनेशन दे रखी है, ये दे रखी है X6, that is the operator B. This is the first element, this is the second element. और इसका मतलब क्या बताया इन्होंने कि a into b को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे, that will be the output, right? जो भी हमारा इसका remainder होगा ना, whatever is the remainder, that will be the output. तो मैंने क्या बोला, सिर्फ कोई ऐसा element सोचने की कोशिश करो जो इस set से बाहर हो। अगर इस set से बाहर हो गया तो that means it is not a valid binary operation, ठीक है। ठीक उल्टा करने की कोशिश करो, that is easier because हर जगह पे चेक करना बहुत लंबा पड़ेगा, इसलिए आप exactly उसका opposite करने की कोशिश करो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मैं किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करता हूं तो जो वैलिड आउटपुट्स है, राइट, रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है बेटा, बिकॉज आउटपुट क्या होगा, रिमाइंडर। तो 0 से लेकर के 5 तक कुछ भी रिमाइंडर हो सकता है। व्हेनेवर आई डिवाइड एनी नंबर, राइट, समझने की बात यह है कि हमारे पास ए और बी कहां से है, 1 2 3 4 5 से, इट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम बिटवीन 1 टू 5। तो मैं अगर इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा और 6 से डिवाइड करूंगा, व्हाट आर द पॉसिबल रिमाइंडर्स, दीज आर द पॉसिबल रिमाइंडर्स। अब देखो 1 से लेके 5 तक में तो कोई टेंशन नहीं है, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये वैलिड बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, बिकॉज 0 इज नॉट देयर इन द गिवन सेट। तो आई जस्ट नीड टू फाइंड, डू वी हैव एनी ए बी वेयर आई गेट द रिमाइंडर एज 0, इफ यस इट इज नॉट अ वैलिड बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। सो आई विल जस्ट लुक फॉर दैट इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, दैट इज हाउ यू मस्ट थिंक, दैट शुड बी द थॉट प्रोसेस चिल्ड्रन, ठीक है। तो मैं फटाफट से ए और बी ऐसा देख रहा हूं, मैंने देखा ए को 3 रखा और B को मैंने 2 रख दिया, अब ये क्या बन गया, A B is coming out to be 6, 6 by 6, इसका मुझे remainder is the output, so 6 by 6, what is the remainder, definitely the remainder is 0, if any one of you is confused that that is 1, no beta, the quotient is 1, ठीक है, the remainder is definitely 0, and 0 does not belong to the given set S, right, 0 does not belong to the given set S, so if they tell us, whether it is a binary operation, no, it is again not a binary operation. Question number 4, it is not a valid binary operation. I hope that is fine. Okay, I'll proceed to the fifth one. Fifth question ki taraf badhte hain. Saath saath ye solution main erase karta ja raha hun. Okay, fifth question ki taraf badh rahe hain bachcho. A6 on S. Ab is bar S kya hai? 0 se leke 5 tak sare ke sare numbers hain. Theek hai? Aur inhone operation kya diya? The operation is that it is, okay, let me see. The operation is A6B. अब देखो दो definitions हैं बेटा, ध्यान से देखना इस बार. It is A plus B or it is A plus B minus 6. ऐसा question CBSE में भी आ रखा है. Board exam में, it was very much जब ये syllabus में हुआ करता था, तो ऐसा question आ रखा है पिछले years में exam में, ऐसे questions आ रखे हैं. ठीक है, तो चलो फिलहाल देखते हैं. तो ये कह रहे हैं, ये दो डेफिनेशन है. दिस इज द डेफिनेशन व्हेन ए प्लस बी इज लेस देन 6, कंडीशन है, राइट, ए प्लस बी इज लेस देन 6, एंड दिस इज द डेफिनेशन व्हेन ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक है. अगर इक्वल टू भी है तो सेकंड डेफिनेशन आ जाएगी. ओके फाइन, अब हमारे पास जो आउटपुट है वो 0 से लेके 5 के बीच में आना चाहिए, दैट इज ओके. देखो अब ये बहुत आसानी से मुझे तो दिख रहा है, बिकॉज देखो सिर्फ यस नो वन मार्क क्वेश्चन है ये तब, ठीक है. इसमें लंबे क्वेश्चंस भी अभी हम लोग करेंगे, देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बट ये फिलहाल तो अभी वन मार्क क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं इनको देख रहा हूँ, राइट, अगर मैं इनको देखूँ व्हाट कैन बी डन हेयर, सो वी सी दैट 0 से लेके 5 तक आउटपुट होना चाहिए. मैं अगर 0 और 5 रखूंगा, 0 और 5, ए की जगह पे 0 और बी की जगह पे 5, तो मेरे पास आउटपुट क्या आने वाला है, 5 आने वाला है, ठीक है. हमें तो सिर्फ देखना है कि भाई ये 5 से बड़ा ना हो जाए, तो 5 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता ना, क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज अगर a प्लस b इज लेस देन 6 तब तो पहली डेफिनेशन है, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 देन द सेकंड डेफिनेशन कम्स, ठीक है. तो मैं सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए चेक कर लेता हूँ. लेट से मैंने 5 + 1 के लिए चेक किया, 5 + 1, मैंने a और b को कितना लिया, मैंने a को 5 ले लिया और b को 1 ले लिया,
तो फर्स्ट डेफिनेशन तो फेल हो जाएगी, यहाँ पे कौन सी डेफिनेशन आएगी, द सेकंड डेफिनेशन वुड कम. और सेकंड डेफिनेशन अगर मैं देखता हूँ तो ये कितना आ गया, दिस इज 5 + 1 - 6, डेफिनेटली इट इज 0. 0, इज इट अ पार्ट ऑफ एस द गिवन सेट, यस इट इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ एस. ठीक है, तो अभी तक तो हमारा आउटपुट बाहर नहीं जा पाया. ठीक है, एक और एक्सट्रीम वैल्यू लेके देखते हैं. अगर ए और बी को मैं 4 और 5 ले लू, राइट, 4 और 5 ले लू, तो अभी क्या आउटपुट है, द आउटपुट इज 3. इज इट अ पार्ट ऑफ सेट, यस. तो अब यहाँ पे क्योंकि आपने सारे अलग अलग छोटे बड़े हर तरह कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिए हैं, एंड एवरी टाइम द आउटपुट इज कमिंग फ्रॉम द सेट गिवन सेट, सो डेफिनेटली दिस इज अ वैलिड बाइनरी ऑपरेशन. आई होप दैट इज फाइन चिल्ड्रन. लेट मी सी योर हैंड्स इफ इट इज ओके. Let me see your hands if it is okay. If it is not okay, use your mic or use your text box, whatever you want. Chat box use kar lo, mic use kar lo. Okay. So, you tell me. Let me see if you can tell me the answer for the last one, seventh one. Chat box mein answer batao, yes, no mein. Yes or no में चैट बॉक्स में आंसर बताओ मुझे. सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर, whether it is a valid binary operation or not. Fast. सर दोनों को सेम ले सकते हैं, वन ऑफ यू आस्क्ड मी, यस डेफिनेटली ले सकते हैं बेटा, दोनों को सेम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. ए एंड बी कैन बी सेम, नो इश्यूज, अंटिल एंड अनलेस इट इज गिवन कि हाँ ए कैनॉट बी इक्वल टू बी. अगर ऐसा गिवन है कि ए कैनॉट बी इक्वल टू बी तब नहीं ले सकते, अदरवाइज वी कैन टेक, राइट. कंस्ट्रेंट्स हमें खुद से नहीं बनाने, कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं तो लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे. टेल मी द आंसर फॉर द सेवंथ वन फास्ट. आई एम लुकिंग इनटू माय चैट बॉक्स, हु इज टेलिंग मी द आंसर. सिर्फ यस नो में तुम्हें रिप्लाई करना है. आई जस्ट नीड अ यस एंड अ नो एंड डोंट यूज द बुक, बी ऑनेस्ट. ओके, आई गॉट अ यस फ्रॉम वन ऑफ यू, ईशा, दैट इज यू सेड अ यस. एनीवन एल्स? Just one response till now. Are you not sitting with your pen and paper? अरे भाई notebook और pen लेके बैठते हो, नहीं बैठते हो? Answer दो फटाफट. अक्षित yes, yes. आदित्य yes, ध्रुव yes, अनंत yes. अच्छा चलो अब yes yes आना शुरू हुआ, और अभी भी कुछ ही लोगों का आया है, 5-6 लोगों का आया है, बाकी लोग अभी सो रहे हैं. समृद्धि no, oh my god, you are always different from the crowd. चलो, let us see. Samriddhi says no and rest everyone says yes. Samriddhi, just switch on your mic and let me explain. You please explain why is it no? Samriddhi, turn on your mic and let others hear. Tell me why no? So sorry, sir. You said no, that this is not a binary operation. Why so? Why is it not a binary operation, beta? Rest every bolo. Sir, because if we take both the values for one, then my answer is not coming as satisfying. If you take A is equal to 1 and B is equal to 1. Yes, sir. So it is absolutely fine, beta. Let me show you. If A is equal to 1 and B is equal to 1, you want to say that A asterisk A, right? 1 asterisk 1. That is going to be 1 minus 1. Upon 1 plus 1, which is 0 upon 2, which is 0. And 0 definitely belongs to Q. What is Q? Q is rational number. Yes or no? So 0 is a rational number or not? Definitely, abhi maine tumhe pura pura ek table bana ke diya tha. Yes, sir. So ye to hai. This is, although the answer is no, but the answer, but the numbers that you have taken, they are wrong. Yes. So bolo, Akshit, bolo. Not be minus 1. Yes. Now you came to the right point. मैंने तुमसे बार बार ये कहा कि वो वैल्यू ढूंढो जिसपे ये चीज सेटिस्फाइड नहीं होगी, कि तुम्हारा आउटपुट जो है वो गिवन सेट से बाहर चला जाए. गिवन सेट क्या है बेटा? गिवन सेट इज रैशनल नंबर. क्यू इज रैशनल नंबर. ठीक है, गिवन सेट इज रैशनल नंबर. हमारे पास क्यू दे रखा है गिवन सेट. तो मैं कुछ ऐसी वैल्यू सोचने की कोशिश करूंगा ए और बी की, कि हमारा जो आउटपुट है वो गिवन सेट के बाहर चला जाए. एक भी अगर हमने ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ लिया, वी आर डन, विल से अ स्ट्रेट नो, राइट. बिकॉज यस तो इनफिनिट वैल्यूज है, बट नो के लिए अगर एक भी वैल्यू मिल गई, दैट सिंपली मींस दैट यू हैव डन योर जॉब. ठीक है, तो मैं बड़े आसानी से यहाँ पे ये देखूंगा दैट आई विल टेक ए इज इक्वल टू एनीथिंग. यू टेक ए इज इक्वल टू एनीथिंग, दैट इज इट डजंट मैटर. ये जो अनडिफाइंड होगा वो बी पे होगा. तो ए एस्ट्रिक माइनस वन फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए, एंड व्हेन बी इज इक्वल टू माइनस वन, व्हाट इज द डेफिनेशन, राइट? द
this is going to be a minus 1 upon minus 1 plus 1, which is a minus 1 upon 0. Whenever you have 0 in the denominator, I hope you understand that that is invalid. Is it from the given set? Definitely no. Infinity doesn't come in any set. Infinity doesn't come in any set beta. Okay? So, isiliye hum yahan pe kya bolenge? That yes, it is not defined. Aur yahan pe hamara answer kya hona chahiye tha? No, it is not a valid binary operation. Let me see your hands if you have understood. Let me see your hands if you have understood. Aap mein se maximum logon ne yes kaha tha. Ek bacche ne no kaha tha. Uski explanation up to the mark nahi thi. Dhruv, Visha and Piyush. Could you understand? I can't see your hands. Dhruv, Isha and Piyush. I can't see your hands up. Did you understand it? Yes, sir. That's fine. Chalo, we'll proceed ahead. That was a basic discussion just to give you the feel ki binary operations hote kya hai. Theek hai, abhi there is a lot more, but haan, maine tumhe pehle bataya, ye koi mushkil chapter nahi hai, easy hai. Bas thoda sa different hai, isliye dhyan se hume thoda sa dekhna padta hai. Theek hai? Chalo, dekhte hai. Coming to this. This is again from exercise 3.1. Two questions from exercise 3.1, 9th and 10th. Theek hai? Bahut easy questions hai. Just to develop your basic knowledge. Theek hai? मैंने बोला the order matters. क्या order है यहाँ पे? A asterisk B is equal to twice of A plus B. That is the definition. We are सब ये सब one mark questions आते थे पहले CBSE में. ये सब one mark question हुआ करते थे. ठीक है? अब तो नहीं आ रहा है. लेकिन हाँ बाकी exam में अभी भी आएगा. ध्यान रखना. ये सब one mark questions हैं ये सब. ठीक है? तो क्या definition दी इन्होंने? कि हमें जो निकालना है that is 2 asterisk 3. एक बार में बाइनरी ऑपरेशन सिर्फ दो चीजों पे ही अप्लाई होता है. बाइनरी का मतलब ही 2 है. तो पहले जहां ब्रैकेट है पहले वहां अप्लाई करेंगे 2 और 3 एक ही जगह पे. ध्यान रखना मैंने बार-बार कहा दी ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. व्हाट इज दी ऑर्डर? ए इन दिस केस इज 2. तो मैं जब ट्वाइस करूंगा तो इसका करूंगा. ठीक है? मैं क्या अप्लाई करने वाला हूं? ट्वाइस ऑफ 2 व्हिच इज 4 प्लस 3. जो भी आउटपुट आएगा उसका मैं बाइनरी ऑपरेशन करूंगा किसके साथ? 4 के साथ. दैट मींस दैट वुड बी 7 asterisk 4. 7 asterisk 4. Again, applying the basic definition. Twice the first term, which is 7, which is 14, plus 4. So what is going to be the answer? The answer is going to be 18. I hope you understand all these things are easy, children, and you must be comfortable in this. Only then we can move on to better concepts. Okay? So in my basics, I have done a lot of examples abhi tak aapko kara chuka hun. Okay, I'll come to the 10th one as well. A asterisk B such that LCM of A and B. And we have to find bahut easy question hai. Right, extremely simple question. What is this? This is the output is going to be as per the definition. What is that? LCM of A and B. That means you will find the LCM. The output will be LCM of A and B, 5 and 7. And what is the LCM of 5 and 7? That is 35. हाँ, ये जरूर check किया करो कि जो भी तुम्हारा output है वो given set पे होना चाहिए. जैसे last question में the output was 18. Is it from the given set R? Yes, it is. ठीक है? Real number ही था ना? इस बार तुम्हारा किस पे है डिफाइंड? n पे, नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है. क्या तुम्हारा जो आउटपुट है वो नेचुरल नंबर है? डेफिनेटली यस. तो इसलिए द आंसर इज एब्सोल्युटली फाइन. ये सब चीजें चेक कर लिया करना. चिल्ड्रन, आई होप टिल दिस पॉइंट यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स एंड यू अलाउ मी टू मूव अहेड. ओके, लेट अस मूव अहेड. लेट्स सी नाउ कमिंग टू द 3 प्रॉपर्टीज. ठीक है? 3 properties that we need to study here. The commutative property. ये सब तुमने बचपन में छोटे-छोटे numbers के लिए पढ़ रखा है, ठीक है? This is commutative property. This is associative property. This is distributive property. Although distributive पे questions कुछ खास मिलते नहीं हैं, लेकिन हम फिर भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? We'll study that. बाकी examples में और बेहतर समझ में आएगा. जैसे a asterisk b is equal to b asterisk a. Whenever it is there, then we say that yes, the operation is commutative. For example, if you have the operation as plus, so definitely you understand a plus b is equal to b plus a. This is commutative? Yes, it is commutative. Now, if I say that the operation is minus, so a minus b, does that equal to b minus a? No, it is not equal. And that is why we say that it is not commutative. बात समझ में आती है ना? Similarly, अगर मैं multiplication की बात करूं, तो a multiplied to b is definitely equal to b multiplied to a. That is commutative. ठीक है? Whereas अगर मैं division की बात करूं,
that A divided by B, does that equal to B divided by A? Not necessarily. So it is also not commutative. So I hope you understand what is commutative. We'll be able to understand it better when we do more questions on this. So don't worry, I have ample questions to discuss. Similarly, when we talk of associative, right? Agar aapke paas teen cheeze hain, A, B, C. When you apply the operation, first of all, in the first two, right? That should be equal to when you apply the operation with the last two, and then ultimately the output is done applied with the first one. Yahan pe kya hai? First two mein operation kiya and the output is done to the third one. Theek hai? Toh agar ye do cheeze same hai, then we say yes, it is associative. Distributive, generally jab do ek se zyada operations hote hain, generally jab do operations hote hain, toh hum log law of distributive check karte hain. Theek hai? Ye aapka itna zyada syllabus mein nahi hai, but haan, fir bhi hum isko kar rahe hain. Two operations hain, asterisk and let's say copyright, right? Any symbol, this symbol is generally called copyright. Theek hai? Aap dekhte hoge books vagera mein use hota hai ye wala symbol copyright ke liye. So A asterisk B copyright C. Iski definition agar this is equal to this, A asterisk B copyright, ye tum log simple tarike se, right, basic example se bhi samajh sakte ho. Jaise suppose karo main basic example se tha na, ek bar symbols bachcho ko thode ajeeb se lagne lag jate hain. Suppose karo tumhare paas A into B plus C hai, theek hai? So is it equal to A into B plus A into C, right? So whenever these things are there, we say that yes, this follows this operation, these two operations, multiplication over addition is a distributive property. Theek hai? So agar kabhi aisa hota hai, either the first one or the second one, we say that yes, they follow the law of distributive. Theek hai? Let us do some questions to understand it. Aiye dekhte hain hamare paas questions maine pick kiye hain. Ye exercise 3.2 ka question number 14 hai. ठीक है, मैंने जानबूझ के ये सब इसलिए लिख दिया था सो दैट यू एग्जैक्टली नो तुमने कितना कर लिया. मैंने क्वेश्चंस भी आपको फॉरवर्ड कर दिए थे जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 मैंने ये पिक किया, ये सीबीएसई में 2014 में पूछा भी गया. देखते हैं, राइट, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, राइट, रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स की बेसिक डेफिनेशन हमें पता है, एक्सेप्ट वन. अब इसमें जो सेट है समझ में आना चाहिए आपको, दैट दे आर सेइंग दैट एस is the set of rational numbers except one. One is not a part of the given set. Let's be very clear, children. Okay? We should be focusing on that. Okay? Except one. An asterisk be defined as S. An asterisk be defined on S. Okay? Matlab jo bhi hamara output hai aur input hai, wo sab yahin se jana chahiye. All the rational numbers except one. Okay. What is the definition? A asterisk B is equal to A plus B minus AB. For all A and B belong to S. Now we have to prove that this is a binary operation, and the second part is commutative as well as associative. ठीक है, दो parts हैं इसमें. First of all, ये prove करने वाले questions पहले आते थे. Generally ये question जब होता ना, तो ये 4 marks का तो कम से कम होता तुम्हारे पास. ठीक है, अगर ये question तुम्हारे पास exam में आता, तो almost ये 4 marks का होता. ये आपका 1 mark का ये होता. 1 mark का commutative होता और 2 mark का associative होता. ठीक है, exactly CBSE की marking scheme में आपको यही steps मिलेंगे. ISC में भी almost exactly same marking scheme use होती है. ठीक है, तो चलो देखते हैं. Let us see कैसे कैसे करना है. First part, हमें first part पे आते हैं. Right, we need to show that this is a binary operation. And how do we show whether it is a binary operation? This is a binary operation only when the input and the output comes from the defined set. इनपुट और आउटपुट दोनों कहां से आने चाहिए? उसी डिफाइंड सेट से आने चाहिए. तो आइए देखते हैं. दे आर सेइंग दैट ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी. ठीक है, एज ए एज वेल एज बी कैन नॉट बी इक्वल टू वन. ठीक है, ए एज वेल एज बी कैन नॉट बी इक्वल टू वन. सो Whenever for all, इसको ऐसे कैसे लिखोगे? ठीक है, अब मेन चीज है इसको, अब क्योंकि स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन है तो हमें रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए. राइट, विल राइट फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंगिंग टू एस. राइट, ए प्लस बी माइनस ए बी वुड ऑलवेज बिलोंग टू एस. राइट, वुड ऑलवेज बिलोंग टू एस. ठीक है, अब मैंने कहा आपसे कि स्कूल एग्जाम क्वेश्चन है
आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करना सही तरीके से आना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज हमें महसूस होनी चाहिए कि हाँ भाई ये कभी भी ये रैशनल नंबर ही होगा ना, रैशनल नंबर भी तो सारे इंटीजर्स भी होते हैं, सारे फ्रैक्शंस भी होते हैं, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। हमें सिर्फ ये देखना है क्या ये कभी वन तो नहीं हो रहा, राइट। अगर ये वन होगा तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन से ही साफ साफ कह रहे हैं दैट प्रूव दैट इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस, तो फिर हमें ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने सिर्फ इतना सा काम भी कर रखा है, यू आर गोइंग टू गेट वन मार्क फॉर दिस। आई होप इट इज अंडरस्टूड बाय यू, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, टू प्रूव दैट इट इज कम्यूटेटिव, ठीक है। इसका भी वन मार्क्स होता है, ये भी इजी होता है, कम्यूटेटिव वाला स्टेप भी बहुत सिंपल होता है। देखो कम्यूटेटिव वाला स्टेप कैसे करोगे, किसी को नहीं समझ में आया तो बेटा माइक ऑन करके या चैट बॉक्स यूज करके दोबारा पूछ लेना, प्लीज डोंट हेजिटेट, ओके। जब मैंने कम्यूटेटिविटी चेक करनी है तो उसके लिए मैं क्या चेक करता हूँ, that a asterisk b should be equal to b asterisk a, right? That is what we need to prove. Okay, so if I take the LHS is equal to a asterisk b. As per the definition, this is equal to a plus b minus ab. Maine bola the order matters. Now, this particular thing, a plus b minus ab, can I write this thing as b plus a minus b, can I write that using the basic things, right? Can I express this like that? Definitely yes. So this is nothing but b asterisk a, which is the required RHS. Now one mark here and one mark here. Abhi tak tumne 4 marks se question mein 2 marks attend kiye, theek hai. Let's see the last 2 marks is for associative. Aaiye dekhte hain एसोसिएटिव के लिए क्या करना है। चलो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, लेट मी पुट इट समवेयर हियर, चलो इसको यहाँ रख देता हूँ। और मैंने अभी इसको एसोसिएटिव प्रूव करना है, ठीक है भाई, चलो इसको भी हटाओ यहाँ से, हटा दिया, ओके। एसोसिएटिव प्रूव करने के लिए ध्यान से देखना, बहुत ईजी है, मुझे उम्मीद है आपको कोई परेशानी नहीं आ रही होगी, जस्ट दैट थोड़ा रिप्रेजेंटेशन की बात होती है। एसोसिएटिव प्रूव करने के लिए मैं सीधे सीधे ये सजेस्ट करता हूँ कि दोनों तरफ ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी लिख लिया करो, एक बार ब्रैकेट यहाँ लगाओ, दूसरी बार ब्रैकेट यहाँ लगाओ, ठीक है। और इसको सेपरेटली एलएचएस और आरएचएस लेकर के आप स्टार्ट कर लो, ठीक है। सेपरेटली आप एलएचएस और आरएचएस ले लो, जैसे आई विल टेक द एलएचएस, ठीक है। एलएचएस लिया मैंने, एलएचएस में मैंने अप्लाई किया बेसिक डेफिनेशन, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन, इट इज ए प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है, एस्ट्रिक सी। नाउ व्हेन आई अप्लाई द बाइनरी ऑपरेशन, रिमेंबर दैट मैंने बोला, नाउ व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट बेटा, द फर्स्ट एलिमेंट दिस एंटायर थिंग ए प्लस बी माइनस ए बी, एंड व्हाट इज द सेकंड एलिमेंट, इट इज सी। और ये जो आपकी बेसिक डेफिनेशन दे रखी है, आप हमेशा एलिमेंट्स के फॉर्म में लोगे तो कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट अब मेरा क्या है, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ए प्लस बी माइनस ए बी, ये मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिखा, ठीक है। अब प्लस सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट इज सी, ठीक है, माइनस फर्स्ट एलिमेंट इनटू सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। तो माइनस फर्स्ट एलिमेंट इनटू सेकेंड एलिमेंट, व्हाट इज द सेकेंड एलिमेंट, इट इज सी। द फाइनल आउटपुट इफ यू लुक एट दैट, इट इज कमिंग आउट टू बी ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी। यहां अगर अंदर देखो तो यहां पे क्या मिल गया बेटा, ये तुम्हें मिलने वाला है माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी, माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी सी, दैट इज द एलएचएस, ठीक है, दिस इज योर एलएचएस। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन, मैं ये कम्यूटेटिव वाली चीज इरेज करके और इसका राइट हैंड साइड भी प्रूव करने जा रहा हूँ, ठीक है, आई इरेज दिस, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन, ओके, आई एम इरेजिंग इट। अदरवाइज भी वीडियो भी इसका रिकॉर्ड हो रहा है तो बहुत टेंशन की बात नहीं है, बेसिक क्लास की वीडियो मैं जनरली बना ले रहा हूँ, ओके। लेट मी चेक द आरएचएस नाउ, आरएचएस, आरएचएस इज ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी। अगर मेरे पास एग्जैक्टली यही चीज मिल जाए ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी सी, तो we'll say that yes it is associative, and that is why associative की weightage ज़्यादा होती है, इसका ना इसकी weightage मैंने तुम्हें पहले ही बताया, इसकी दो marks की weightage है, ठीक है, because ये generally लंबा होता है, इसमें ज़्यादा आपको efforts लगाने पड़ते हैं।
अब मैंने क्या बोला एलिमेंट बाय एलिमेंट चलो ठीक है बी इज द फर्स्ट एलिमेंट सी इज द सेकंड एलिमेंट क्या अप्लाई करूंगा दैट इज गोइंग टू बी बी प्लस सी माइनस बी सी अब नाउ ए इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड बी प्लस सी माइनस बी सी इज द सेकंड एलिमेंट तो अब यही अप्लाई करूंगा ए फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट द एंटायर थिंग बी प्लस सी माइनस बी सी एंड माइनस फर्स्ट एलिमेंट इन टू सेकेंड एलिमेंट First element is A and second element is the entire thing, which is B plus C minus BC. Now check karte hain kya aa raha hai mere paas. A plus B plus C minus BC minus AB minus AC and that is again what? Plus ABC. Does that matches with the LHS? Definitely yes. Hence proved. Theek hai children? Show me your hands if you have understood this. That was easy, just that it was procedural and lengthy. Okay? It has a process and we need to follow that process. If we can follow the process, it would always be okay. Okay? I hope it is fine. If it is not fine, you can use your mic, you can use the chat box. I believe it is fine, so I'm moving on to the next question. Rather, the next concept maybe. Yes, the next concept, which is identity element. Okay? मैं आपको इस पार्टिकुलर क्लास में जनरली मैं एक बार में एक एक्सरसाइज करके आपको कराता हूँ बट क्योंकि ये टॉपिक सिंपल है और इजी है इसलिए मैंने आपको इकट्ठे कराना प्रेफर किया अब आप इस क्लास के बाद फिर आप क्वेश्चंस आराम से कहीं से भी लगा लेना वेदर यू डू एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जांपलर आरडी शर्मा व्हाट एवर यू वॉन्ट यू कैन गो फॉर दैट राइट डाउट्स के लिए डेफिनेटली हम एक सेशन अलग से रखेंगे वेर यू कैन आस्क योर डाउट्स ठीक है पहले इसमें हम लोग बेसिक्स कर रहे हैं विद एग्जाम्पल्स ठीक है लेट्स सी दिस आइडेंटिटी एलिमेंट सबसे पहले समझेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है इसके लिए मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक चीजें याद दिला दूं ये सब तुमने बचपन में पढ़ रखा है सब पढ़ रखा है जस्ट डेट अभी बाइनरी ऑपरेशन के लिए पढ़ रहे हो पहले तुम मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब के लिए पढ़ते थे फॉर एग्जाम्पल वट इज आइडेंटिटी एलिमेंट इफ आई से वट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब ये होता है बेटा डेट एन एलिमेंट जिसको उस ऑपरेशन में अप्लाई करेंगे तो मुझे वही चीज मिलेगी आइडेंटिटी द सेम थिंग वुड कम आइडेंटिटी फंक्शन क्या था याद है तुम्हें y is equal to x the same thing should come आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा an element जिस generally आइडेंटिटी एलिमेंट को हम लोग e से रिप्रेजेंट करते हैं तो a plus what is equal to a तो for addition you know that the identity element is what it is zero and believe me identity element has to be unique ऐसा नहीं है कि ये हर अलग अलग different a के लिए different होगा no for any mathematical operation the identity element would remain same Right, it would remain zero for all the addition operation entire chahe wo koi si bhi number do similarly agar aap suppose karo multiplication ki baat kar rahe ho so a multiplied to e is equal to a so what is the value of e definitely it is one so identity element ki pehle basic definition hame samajh mein aani chahiye I hope in do basic examples se aapko ye baat samajh mein aa gayi hogi ki identity element aakhir hota kya hai identity element ka matlab ye hai ki aisa wo wala element जिसको जब हम यहाँ पे अप्लाई करें तो मुझे वही एलिमेंट मिल जाए जिस पे ये ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है ए पे अप्लाई हो रहा है तो मुझे ए मिल जाना चाहिए और ध्यान रखना the other part is also valid that means यहाँ पे देखो दो चीजें हैं ध्यान रख एक तो तुम्हें आईडी एलिमेंट समझ में आ गया होगा दो चीजें जो क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नंबर वन ई की एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए राइट ई की एक से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती अगर ई की एक ज्यादा वैल्यू है यू विल क्लियरली से That if a e is not unique, e is getting more than one value, the identity element does not exist. You'll clearly write that. Okay. Even in competitions, if you find that you are getting more than one e, right? You have two different values of e, or more than two values of e, you can straight away say that yes, the identity element does not exist clearly at any level of exam, whether it is CBSE, ISC, NDA, IIT, whatever exam you face. ठीक है ध्यान रखना e has to be a unique value for any binary operation कोई से binary operation हो कुछ भी हो बहुत तरह के binary operations होते हैं ठीक है तो ये बात समझ में आनी चाहिए दूसरी बात जो आपके ये मैंने बोला दो बातें पहली चीज uniqueness दूसरी चीज कि identity element exists तभी करेगा जब वो function commutative है ध्यान से देखो ना ये commutative prove करने को नहीं कह रहे हैं क्या a asterisk e should be equal to e asterisk a तो ध्यान रखना identity element is unique number one number two That it should be commutative. If the binary operation is commutative, only then the identity element would exist. Please do remember these two simple facts. Okay? Examples definitely हम करेंगे बिना example के हम किसी भी चीज को over नहीं करते. आइए इस पे question करते हैं.
Let's see one question. Oh, we have two questions. That is okay. So if the binary operation asterisk on the Z is defined as A plus B minus B, find the identity element with respect to asterisk. ठीक है, हमने identity element निकालना है, कोई tension ही नहीं है ना. Identity element निकालने का जैसे मुझे third question मैं कर रहा हूँ, right? Very simple question. I'm sure even all of you can do it. I'm pretty sure all my children are smart enough to do this, right? But still, as we are doing it virtually, so let me do it for you. A asterisk E, right, should be equal to what? A, and that should also be equal to E asterisk A. ध्यान रखना. कई बार हम लोग इस ऑपरेशन को स्ट्रेट अवे लगा देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं, बट फिर बाद में रियलाइज होता है अरे ये तो कम्यूटेटिव था ही नहीं, और आंसर क्या होता है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड और आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट. सो प्लीज टेक केयर ऑफ द सेकंड पॉइंट दैट आई सेड दैट इट शुड बी कम्यूटेटिव, डोंट फॉरगेट दैट. अब तुम्हें देखे, तुम इतने ही क्वेश्चंस करने के बाद तो तुम्हें देखे पता लगना चाहिए. जैसे अगर मैं बी एस्ट्रिक ए लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? बी एस्ट्रिक मिलेगा क्या? बी प्लस ए माइनस फाइव. सो डेफिनेटली ए प्लस बी माइनस फाइव एंड बी प्लस ए माइनस फाइव, दे आर ऑल द सेम. सो इट इज कम्यूटेटिव. ठीक है, तो एज इट इज कम्यूटेटिव. हालांकि इन्होंने प्रूव प्रूव करने को कहा नहीं है, दैट मीन्स वन मार्क क्वेश्चन है ना, वन मार्क क्वेश्चन है, तो स्ट्रेट अवे हम लोग वैसे ही कर देंगे. So let us see, A asterisk E, it is commutative, हमने देख लिया, उसके बाद फिर straight away हमें apply कर देना है. तो मैंने A asterisk E is equal to A रखा, B के जगह पे A आ गया, B के जगह पे E आ गया, तो ये मेरे पास क्या बन गया? A plus E minus 5 is equal to A, right? A plus E is equal to, है ना, ये क्या होता है? Ultimately ये A के equal होना चाहिए ना, तो हमने देखा, what is the value of E? तो E की एक unique value आ रही है 5. राइट right? हमने इसमें किन चीजों का ध्यान दिया, फिर से रिपीट करता हूँ. पहली चीज कि ये कम्यूटेटिव होना चाहिए, वो हमने ऐसे ही देख लिया फंक्शन से. ठीक है, अगर प्रूव करने को कहते तो हम देख भी लेते, राइट, ए एस्ट्रिक इज इक्वल टू ई एस्ट्रिक, प्रूव भी कर देते, कोई बड़ी बात नहीं थी. इन्होंने सिर्फ एलिमेंट निकालने का, तो हमने चेक कर लिया फॉर आवर यू नो फॉर नॉट कमिटिंग द मिस्टेक. हमने पहले उसका ध्यान रखा, वी वर अटेंटिव इनफ टू अंडरस्टैंड दैट. एंड द सेकंड पॉइंट वाज दैट ई इज अ यूनिक वैल्यू, ई इज कमिंग आउट टू बी 5, राइट. आई सेड दैट ई हैज टू बी यूनिक. तो पूछा गया था व्हाट इज द आंसर, आंसर यहां पे लिखा भी हुआ है हमारे पास, व्हाट इज दैट, इट इज 5. सेकंड क्वेश्चन देख लो, फोर्थ वन, ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन है बेटा. ठीक है, मैंने सब यहां पे इसलिए लिख दिया था सो दैट यू एग्जैक्टली नो कौन-कौन से क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एंड रिमेनिंग वंस ऑन द सेम लाइन यू कैन डेफिनेटली ट्राई देम. ठीक है, विल कीप एनफ डिस्कशन सेशंस, डोंट वरी. अगर ये जो कमिंग तीन क्लासेस हैं इस हफ्ते के, अगर उसमें नहीं भी हो पाते हैं, नेक्स्ट वीक में भी कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है. वी आर वे अहेड ऑफ एनी स्टूडेंट और एनी टीचर. ठीक है, बच्चे अभी घर पे लॉकडाउन फिनिश होने का वेट कर रहे हैं और आप आगे बढ़ते जा रहे हो, एंड आई एम प्रीटी श्योर यू पीपल आर प्रैक्टिसिंग नाइसली. ठीक है, सो लेट अस सी द फोर्थ वन ऑन द सेट ऑफ जेड. अब देखो ये जेड का भी ध्यान रखना, यहाँ पे भी मैंने आपको मेंशन नहीं किया बट आपको आई होप आपने ध्यान रखा होगा कि जेड पे था तो आउटपुट जो है, इवन द आइडेंटिटी एलिमेंट शुड बी फ्रॉम द सेम थिंग. आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा यहाँ पे 4 है, 5 है, तो वो भी हमारा जेड से ही होगा, राइट. एवरीथिंग विल बी डिफाइंड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है सर, इन क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव पुट ई इंस्टेड ऑफ बी. एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, राइट, एग्जैक्टली दैट इज द डेफिनेशन. आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने का डेफिनेशन ही मैंने आपको ये बताया कि ए एस्ट्रिक ई इज इक्वल टू ए एंड ई एस्ट्रिक दिस एंड ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. ठीक है, तो बी की जगह पे सिंपली हम लोग ई रख देते हैं और जो भी वैल्यू आ रही है दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं. लेट्स डू दिस क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द सेट ऑफ जेड. राइट, ध्यान रखना इंटीजर्स है. इफ द बाइनरी ऑपरेशन दिस then find the identity element. सबसे पहले ये चेक कर लो commutative है कि नहीं. Clearly दिख रहा है commutative है. B asterisk A कितना आएगा? B plus A plus 2. ठीक है? Which is equal to A plus B plus 2. तो अब मैंने क्या apply करना है? मुझे सिर्फ देखना है कि ये what is the identity element. So E A asterisk E should be equal to A. मैंने operation लगाया. Operation is what? A plus E plus 2 is equal to A. This is gone. What is the value of E? E is coming out to be minus 2. Is it from Z? Definitely yes. So we'll say that the binary operation, and you can see even the answer is saying the same thing. So I hope you could understand what is identity element. Okay. Let me see the hands. Let me see your hands. If you have understood this, identity element is understood. No, that's easy. Yes, sir. Okay, that is fine. Okay. Let's proceed to the next thing. That we have inverse of identity element. ठीक है, how to find the inverse of an identity element? अब देखें again, मैं पहले तुम्हें ये तुम्हें explain करूँगा, right? हर चीज़ में पहले चाहता हूँ कि आप बिल्कुल basic चीज़ों से समझो, extremely basic things. Now inverse का मतलब क्या होता है? इस बात को देखते हैं. जैसे suppose करो मेरा, फिर से मैं वही चीज़ें करता हूँ जो तुम्हें आता है,
जैसे मेरा ऑपरेशन प्लस का है, राइट, एडिशन इज द ऑपरेशन. नाउ अब हमें ये देखना है कि कभी भी, राइट, अगर हम लोग ए प्लस बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट अगर कर दें, ठीक है, और यहाँ पे ये भी कम्यूटेटिव होना चाहिए, राइट, दैट मीन्स बी प्लस ए, ठीक है. तो प्लस में हमने अभी भी देखा था कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है, जीरो, यानी ए में मैं क्या जोड़ूंगा सो दैट आई गेट अगेन ए, डेफिनेटली जीरो. तो प्लस ऑपरेशन के लिए दिस इज जीरो, आइडेंटिटी एलिमेंट इज जीरो, इट इज यूनिक एंड इट इज फ्रॉम द डिफाइंड सेट, व्हाटएवर इज अ डिफाइंड सेट. तो ए प्लस बी इज इक्वल टू वी, ठीक है. अब हमें जो बी की वैल्यू मिलेगी ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्स बोलेंगे. तो ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, सो व्हाट इज बी, बी इज इक्वल टू माइनस ए, एंड दिस माइनस ए फॉर दिस प्लस ऑपरेशन इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है. नाउ ध्यान रखना, ई इज यूनिक, ई इज यूनिक, बट बी इज नॉट यूनिक. फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए बी विल बी डिफरेंट, ठीक है. अगर मैं टू प्लस बी इज इक्वल टू जीरो कह रहा हूं, एज एडिशन में जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है वो जीरो होता है, तो बी की वैल्यू मेरे पास माइनस टू आ रही है. ई इज यूनिक बट बी इज नॉट, राइट, फॉर एनी ए और बी ई विल बी जीरो इन एडिशन, ठीक है. इफ आई टॉक ऑफ मल्टीप्लीकेशन आई एम श्योर यू वुड से दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट विल बी व्हाट, वन, राइट. किस चीज को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ए इंटू व्हाट इज इक्वल टू ए, I hope you understand that that is definitely one. Okay? So the identity element for multiplication is one. Jab maine identity inverse nikalna hai, to kya karunga? A into B is equal to the identity element. So what is the value of identity inverse? That is equal to 1 by A. Okay? So yahan pe again, cheezein aap dhyan rakhenge ki आपकी आइडेंटिटी इनवर्स आप तभी निकाल सकते हो व्हेन ई एग्जिस्ट. अगर ई एग्जिस्ट करेगा तभी आप उसको ई से इक्वेट करोगे ना, अगर ये होगा ही नहीं तो आप इक्वेट कैसे करोगे, ठीक है. सो फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट, इनवर्स ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ ई. अगर ई हमारे को एग्जिस्ट कर रहा है यूनिकली, देन द इनवर्स विल एग्जिस्ट, ओनली देन द इनवर्स विल एग्जिस्ट, एंड बी इज कॉल्ड द इनवर्स, ठीक है. हम इस तरीके से बी निकाल लेते हैं. आओ इसका एक और एग्जाम्पल करते हैं from the book, exercise 3.4, question number 1, right, exercise 3.4, question number 1, let us see. Let asterisk be a binary operation on Z defined by A asterisk B is equal to A plus B minus 4 for all A and B belonging to Z, okay, they all belong to Z. We need to show that asterisk is both commutative and associative. पहले तो ये प्रूव करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसी बहाने उसका रिविजन भी हो जाएगा, हम देख भी लेंगे कि commutative और associative वाली चीज हमें याद है कि नहीं, हमने अभी पढ़ी है. और क्या करना है इसमें, आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकालना है और इनवर्स भी निकालना है. बहुत बढ़िया, जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं वो सारी चीजें यहाँ पे हमारी रिवाइज हो जाएंगी. देखो commutative, अब ये क्वेश्चन इनकेस अगर हमारे बोर्ड में आया होगा, अगर आईएससी बोर्ड में आएगा तो मेरे ख्याल से, मैं तुम्हें बता दूं, एक मार्क्स यहाँ पे, दो मार्क्स यहाँ पे, 1.5 यहाँ पे ले लो, 1.5, मतलब ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, ये तुम्हारा 6 मार्कर है. अगर इतने सारे इसके सब पार्ट्स हैं तो ये 6 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है, एज पर द मार्किंग स्कीम ऑफ द बोर्ड्स, ठीक है. लेट अस सी कम्यूटेटिव, 1 मार्क जो है वो मैं नहीं कर रहा, तुम कर लेना. कम्यूटेटिव में मुझे नहीं लगता तुम में से किसी को भी कोई परेशानी होगी ये प्रूव करने में that a asterisk b is equal to b asterisk a. You can easily see that this is equal to a plus b minus 4 and this is b plus a minus 4. Hence, prove that it is commutative, right? 1 mark, done. Very easy. हाँ, associative, थोड़ा सा ध्यान से करना, मुश्किल वो भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा attentive हो जाना चाहिए, because वहाँ पे गलतियाँ होते, मैंने देखी हैं, being an examiner, मैंने check किया है, बहुत सारी गलतियाँ वहाँ बच्चे कर देते हैं, ठीक है? Associative, क्योंकि तुम्हारे पास तीन elements होते हैं, तो ध्यान से करना होता है. चलो करके बताता हूं. A asterisk B asterisk C, मैंने क्या बोला, पहले इसको as it is लिख लो, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट्स लगा दो, यहां पहले दो के साथ पहले लगाओ और वहां दूसरे दो के साथ पहले लगाओ. अब LHS से शुरू कर लो या RHS शुरू कर लो, मर्जी है आपकी, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वेयर एवर यू वॉन्ट. लेट्स आई स्टार्ट विद द LHS, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, लेट अस क्रिएट सम स्पेस हियर. सो LHS A asterisk B
A asterisk B मैंने apply किया, that is coming out to be, मैंने बोला element by element move करो, A plus B minus 4 asterisk C, ठीक है? Now this is अब what is the first element now? A plus B minus 4, that is the first element. What is the second element? It is C. Now if we apply that, A plus B minus 4, first element, right? Plus second element minus 4. So first element is A plus B minus 4. Plus the second element, which is C, right? And minus 4. So LHS is coming out to be A plus B plus C minus 8. Okay? Similarly, we'll go for the RHS. And what is the RHS? We need to prove that A asterisk B asterisk C. Ab hume B or C pe pehle apply karna. No issues. So applying that, what do we get? We get B plus C minus 4. Now this is the first element, this is the second element. So first element plus second element is B plus C minus 4, right? And minus of 4. Is that equal to the LHS? Definitely yes. A plus C minus 8. A plus B plus C minus 8. So hence we have proved that it is associative. Associative is aapko generally aap dekhte ho uski weightage zyada hoti hai, right? Especially for ISC board children, right? Ye dhyan rakhna. Is tarike se tum isko deal karoge. Now, the coming to the second part of the question where we need to prove that it what is the identity element, right? If it exists. And if it exists, we also need to find what is the inverse of that. Find the invertible elements on set. Okay. So let's proceed. Aiye second part bhi dekhte hain fatafat se. I would clean the screen. In case you need to take a screenshot, you can. I'll clean the screen, children. So let's see. We want to calculate what is the identity element in set. Chalo dekhte hain. Identity element calculate karne ke liye sabse pehle hame commutative check karna hota hai jo humne already kar rakha hai. Uske baad hum log kya karte hain ki A asterisk E, A asterisk E should be equal to A. That is the basic definition, no? Right? Commutative हमने पहले check कर रखा है, तो वो दुबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, that is equal to E asterisk A. ये आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, not required. As you have already checked, that it is commutative. ठीक है? So this is enough to proceed ahead. ठीक है? यहाँ मैंने apply किया. This is A plus E minus 4, that is equal to A. So we easily get that the identity element is 4, which is unique and which is from the set given to us. What is the given set? It is Z. Okay, what is the given set? It is Z. Okay, so we should understand that yes, the identity element exists and the element is what? It is 4. Okay, yahan pe tumhe 1.5 marks se jo mil na hai, wo yahan pe mil jayega. Coming to the last thing, whether it is invertible. Okay. Up as it exists, so yes, we have to see whether it is invertible or not. Invertible ke liye kya tha? That A asterisk B should be equal to E, right? Where B is the invertible element. B is the inverse of A. ठीक है? तो आओ देखते हैं. मैंने basic यहाँ पे operation लगाया. This is coming out to be A plus B minus 4 is equal to the identity element which is 4. जो भी यहाँ पे B की value आती है, वही हमारा inverse होता है. तो B की value कितनी आ रही है बेटा? This is coming out to be 8 minus A. That is going to be the final answer for the third part. If it is okay, let me see your hands fast. Let me see your hands fast if it is okay. Everyone. That's fine. Chalo bhai. अब हमारे पास मैंने ये क्लास 90 मिनट्स की शेड्यूल की थी और ऑलमोस्ट वी आर देयर एट द एंड ऑफ द क्लास. आई थिंक ऑलमोस्ट 10-12 मिनट में हम लोग क्लास फिनिश कर लेंगे. जस्ट टू स्लाइड्स आर लेफ्ट. सो कमिंग टू दिस वन वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कंपोजिशन टेबल. ठीक है, अभी तक हमने सारी चीजें कवर की हैं. एक चीज और रहेगी बाइनरी ऑपरेशन में, अगेन अ बोर्ड थिंग. हाँ, इसमें कुछ कॉम्पिटिशन के भी कुछ एलिमेंट्स हैं जिसपे हम यहाँ पे सीखेंगे, देखेंगे क्या हो सकते हैं. ठीक है, ध्यान से देखो कंपोजिशन टेबल क्या होता है, इसको बनाते कैसे हैं और क्या बातें हैं, सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, जैसे इन्होंने एक ऑपरेशन लिया, आई थिंक ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने फर्स्ट में वन मार्कर में किया था. ठीक है,
वही क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 10 है राइट इट हैज बीन रिपीटेड मैंने बोला ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आ रखा है ठीक है तो चलो देखते हैं डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन दिस ऑन द सेट 0 1 2 3 4 5 हमने ये अभी चेक भी किया था कि ये बाइनरी ऑपरेशन है शो दैट 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन एंड ईच एलिमेंट ए नॉट इक्वल टू 0 ऑफ द सेट इज इनवर्टिबल विद 6 माइनस ए बीइंग द इनवर्स ऑफ ए ठीक है दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन का मेन पर्पस हमारा ये है कि हम कंपोजिशन टेबल बनाना सीखें ठीक है दैट इज द फर्स्ट थिंग जब ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया करता था और अब जब ये आईएससी बोर्ड में आएगा तो इसमें टेबल बनाने के सिर्फ 2 मार्क्स होते हैं ध्यान रखना टेबल बनाने के 2 मार्क्स होते हैं ठीक है तो मैं कह रहा था इसको सिलेबस से पता नहीं क्यों हटा दिया सीबीएसई वालों ने अच्छा खासा था ये स्कोरिंग सेक्शन था इजी था आसानी से मार्क्स मिल जाते थे 2 मार्क्स सिर्फ टेबल बनाने के मिलते थे फ्री फंड के मार्क्स थे चलो देखो कैसे बनाना है इस बात को समझते हैं जब कोई भी आपके पास कोई ऑपरेशन है ए एस्ट्रिक बी तो ये जो रोज होते हैं ना बेटा ये जो रोज होते हैं ठीक है दिस फॉर्म्स द ए द फर्स्ट एलिमेंट ये क्या होता है हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है रो हमारे फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ठीक है बाइनरी ऑपरेशन में 2 एलिमेंट्स होते हैं रो हमारे फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ऑब्वियसली बात है जो हमारे कॉलम्स होंगे वो क्या होंगे सेकेंड एलिमेंट होंगे ठीक है कॉलम्स जो होंगे हमारे हमारे सेकेंड एलिमेंट होंगे दीज वुड मेक द सेकेंड एलिमेंट ठीक है कॉलम्स दीज आर कॉल्ड द कॉलम्स दीज आर कॉल्ड द रोज ठीक है ओके आइए देखते हैं लेट अस सी दिस सो व्हेन इट इज जीरो एंड जीरो सो ए की जगह पे जीरो आएगा और बी की जगह पे भी जीरो आएगा ठीक है यहाँ पे जो मेरे पास आउटपुट आएगा तो इस ऑपरेशन में मैं जीरो और जीरो रखूंगा जीरो और जीरो रखूंगा तो क्या आएगा मेरे पास दिस इज गोइंग टू बी जीरो ए प्लस बी राइट जब मैं जीरो और वन रखूंगा इट इज वन जीरो और टू कितना होगा बच्चों टू जीरो और थ्री थ्री जीरो और फोर फोर जीरो और फाइव फाइव बिकॉज द फर्स्ट डेफिनेशन वुड कम इन टू रोल वेन इट इज इक्वल टू ए प्लस बी वेन एवर ए प्लस बी इज लेस देन सिक्स ठीक है अब जब मैं 1 और 0 रखूंगा ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे 0 तो अभी क्या आएगा ए एस्ट्रिक दिस राइट दैट इज गोइंग टू बी 1 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 3 1 प्लस 3 4 1 प्लस 4 5 1 प्लस 5 इज 6 नाउ व्हेनेवर इट एक्सीड्स 6 और इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 राइट वी हैव द सेकंड डेफिनेशन सो ए प्लस बी माइनस 6 व्हाट इज द आउटपुट दिस इज 0 आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस चिल्ड्रन ठीक है Now, 2 plus 0, that is 2. 2 plus 0 is 2. This is 3. This is 4. This is 5. Now, 2 plus 4 is 6. The second definition would come into play here. That is 0. And 2 plus 5 is 7. 7 minus 6 is 1. The output. 3 here. 3 plus 1. Kitna ho gaya? 4. 3 plus 2, 5. 3 plus 3, 6 ho gaya. 6 minus 6, 0. 3 plus 4, 7. 7 minus 6 is 1. 3 plus 5. Sorry. Haan, bilkul sahi hai. 3 plus 5 is 8. 8 minus 6 is 2. Okay? Now, this is 4 plus 0. 4 plus 1. 4 plus 2, 6. 6 minus 6, 0 ho jayega. 4 plus 3, 7. Se 1 aayega. Yahan se 2 aayega. Yahan se 3 aayega. So, I hope you understand all this. Okay? Yahan se 5 milega. Ye 5 plus 1, 6 ho gaya. Toh 0 milega. 1 milega. 2 milega. 3 milega. 4 milega. So that is how you make the table, right? इस table को बनाने के 2 marks हैं भाई ISC board student ध्यान रखना। हाँ, competition वाले जो बच्चे हैं वो अब थोड़ा ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? अब इसमें जो सीखने वाली चीज़ें हैं, कुछ जो observations हैं उसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से इस table से हम लोग straight away ये check कर सकते हैं whether it is commutative। यहाँ से हम क्या-क्या चीज़ें derive कर सकते हैं? पहले इस बात को समझो। इस table से हम देख सकते हैं whether the given binary operation is commutative or not. We can also find what is the identity element. We can also find what is the identity element. ठीक है, stable से देख के कोई जो हमने पिछले तरीके से हमने किया था वहां से नहीं बल्कि stable से हमें पता लग जाएगा. ठीक है, तो ध्यान से देखो. अगर मैंने commutative देखना है तो क्या करते हैं इसका principal diagonal देखते हैं. What is the principal diagonal, children? This is the principal diagonal. ठीक है, this is the principal diagonal. इस प्रिंसिपल डायगोनल के दोनों तरफ अगर ये टेबल सिमेट्रिकल है इधर वन है इधर वन है इधर टू है इधर टू है इधर थ्री है इधर थ्री है अगर ये सिमेट्रिकल है
then it is commutative. ठीक है, मतलब कई बार ऐसे भी questions आए हैं exam में, competitions की बात कर रहा हूँ, जहां तुम्हें सिर्फ टेबल दे रखा और ये बोल रखा है कि binary operations हैं, right? और वहां तुम्हें बताना है whether tell whether it is commutative or not, या उसका output क्या होगा, या फिर उसका identity element क्या है, ये सारी चीजें आप तभी बता पाओगे जब ये चीजें होंगी. बात समझ रहे हो ना? ओके, अब हमें देखना है कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा. ठीक है, व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट? तो देखो भाई, आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है, ठीक है, ये तुम्हारा ये टॉप रो है, ठीक है, दिस इज योर टॉप रो एंड दिस इज द फर्स्ट कॉलम, ठीक है, बट ये हमारे पास ये ए और बी की वैल्यूज है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए, लेट मी राइट इट इन दिस कॉलम, दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए, राइट, एंड दीज आर द वैल्यूज ऑफ बी, करेक्ट, ठीक है, ये जो हमारे पास वैल्यूज है ये क्या है, ए और बी की. एक्चुअली में जो हमारा टेबल शुरू हो रहा है वो यहां से शुरू हो रहा है, राइट, तो आई वुड ट्रीट दिस थिंग एज द फर्स्ट रो एंड आई वुड ट्रीट दिस थिंग एज द फर्स्ट कॉलम. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द फर्स्ट रो. ठीक है, वेन एवर द फर्स्ट रो, द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो कोइंसाइड्स विद द टॉप मोस्ट रो, टॉप मोस्ट रो, दिस इज द टॉप मोस्ट रो. ठीक है, दिस इज द टॉप मोस्ट रो. तो अगर फर्स्ट रो के एलिमेंट्स टॉप मोस्ट रो के एलिमेंट से कोइंसाइड करेंगे, ध्यान से सुनना भाई, फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है, जब कभी भी तुम्हारा जो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो मैंने बोला, इसको टॉप रो बोला, ध्यान देना, ठीक है, तो अगर फर्स्ट रो के एलिमेंट्स टॉप रो के एलिमेंट से कोइंसाइड करेंगे, सिमिलरली फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स, ये तुम्हारा फर्स्ट कॉलम है और ये लेफ्ट मोस्ट कॉलम बोलूंगा मैं इसको, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, लेफ्ट मोस्ट कॉलम. तो अगर फर्स्ट कॉलम का जो हमारे पास जो एलिमेंट है वो लेफ्ट मोस्ट कॉलम के एलिमेंट से मेन एग्जैक्टली सेम जा रहा है, तो इसमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये जो एलिमेंट होता है, दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. ओके, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आप इसको दोबारा से भी एक बार देख लेना, ठीक है. तो फिलहाल यहां पे हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमारे ये एग्जैक्टली सेम हो रहा है, राइट, एज इट इज एग्जैक्टली सेम, तो यहां पे हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कितना हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू जीरो. Okay, based on this understanding, we can straight away say that the identity element is what? It is zero, right? So, इतने सी बात के बाद इन्होंने एक चीज और बोली है. Find, we have to prove that it is invertible with 6 minus a being the inverse of a. ठीक है, no issues. आइए इसको भी देखते हैं. Definition ध्यान रखना, ठीक है? With this definition, ये table हमने अभी create किया था, right? This table was created by us. अभी हमने उधर left side पे create किया था. इधर मैंने left पे ये फिर से रिक्रिएट मैंने पहले से कर रखा था, ठीक है, सो दैट द हैंडराइटिंग इज इजीली डन. मैं एक बार फिर से यहाँ पे तुम्हें बताऊं मैं क्या कह रहा था, बिकॉज़ वो टेबल थोड़ी सी क्लैरिटी में कम थी, यहाँ पे थोड़ा इसको मैं रिपीट कर देता हूँ. इसको मैंने बोला टॉप रो, ठीक है, इसको मैंने बोला फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो तुम्हारा यहाँ से शुरू हो रहा है बच्चों, दिस इज दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो, ठीक है, इसको मैंने बोला फर्स्ट रो, इसको मैंने बोला लेफ्ट मोस्ट कॉलम, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट कॉलम एंड दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, ठीक है, बिकॉज तुम्हारे जो एलिमेंट्स हैं वो तो यहीं से शुरू हो रहे हैं ना बेटा, ठीक है, जो तुम ऑपरेशन कर रहे हो वो यहीं से शुरू कर रहे हो ना, दिस इज द फर्स्ट कॉलम. वेन एवर द फर्स्ट कॉलम एग्जैक्टली द एलिमेंट्स एग्जैक्टली मैचेस विद द लेफ्ट मोस्ट कॉलम एंड द फर्स्ट रो द एलिमेंट्स मैचेस विद द टॉप रो, then we say that yes, the identity element exists. और कहाँ पे exist करेगा? जो इनका first matching intersection होगा, ठीक है? That means identity element हमारे यहाँ पे कितना है? It is zero. Now इस question में एक चीज और हमें prove करने को रह गया, that 6 minus a being the inverse for a. ठीक है? देखते हैं. Now let us see. A asterisk b definition मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. A asterisk b is equal to a plus b and it is equal to a plus b minus 6. This is the case when a plus b is less than 6 and this is the case when a plus b is greater than equal to 6. Okay, so hame ye prove karna tha, kahan chala gaya, this was there, right, a 6 minus a, theek hai, hame 6 minus a inverse prove karna hai, yani b ki value yahan pe kya de rakhi hai, 6 minus a de rakhi hai. तो मैंने देखा कि a asterisk 6 minus a should be equal to what? The identity element, which is 0 in this case, which is 0.
तो हमें ये प्रूव करना है कि ये चीज सही होगी, राइट। जब मैं यहाँ पे ये ऑपरेशन लगाऊंगा तो ये चीज जीरो होनी चाहिए। अगर ये हमने जीरो प्रूव कर दिया तो हमने प्रूव कर दिया, दैट इज डन, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू प्रूव, दैट 6 माइनस a इज द इनवर्स एलिमेंट, ठीक है, इनवर्स ऑफ द आइडेंटिटी। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। अब देखो 6 माइनस a, समझने की बात ये है कि जब भी मैं 6 माइनस a लगाऊंगा तो ये हमेशा जो है ग्रेटर देन 6 वाला ही ऑपरेशन इसमें आएगा। इसमें कौन सा वैल्यू, कौन सी इसमें डेफिनेशन लूंगा, सेकंड डेफिनेशन लूंगा। तो फर्स्ट एलिमेंट इज a, सेकंड एलिमेंट इज 6 माइनस a एंड माइनस 6, ठीक है। मैंने क्या बोला, हमेशा ऑर्डर बाय ऑर्डर मूव करो, ए बी सी डी मत देखो, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज द सेकंड एलिमेंट, दैट वुड यू नो गेट रिड ऑफ, टेक यू थ्रू ऑल द सारे कंफ्यूजन से तुम ऊपर उठ जाओगे, ठीक है। यू विल बी अबव ऑल कंफ्यूजंस वंस यू लुक इनटू ऑल दिस बाय एलिमेंट बाय एलिमेंट, ठीक है। तो एक ही जगह मैंने ए रखा फर्स्ट एलिमेंट, और सेकंड एलिमेंट यहां पे हमने क्या ले रखा है एज पर दिस, जो हमने प्रूव किया करना है, 6 माइनस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, सॉरी दैट इज द इनवर्स ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट हमने कितना निकाल रखा है, इट इज 0। सो मैंने 0 से इक्वेट किया, मतलब ये जो अल्टीमेटली चीज है कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो बड़े आसानी से हम ये देख पा रहे हैं दैट यस इट इज कमिंग आउट टू बी 0, हेंस प्रूव दैट, राइट, हेंस 6 माइनस a इज द इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट, 6 माइनस a इज द इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर a, इनवर्स of identity element for A. So that's all, children. That is all from my side. हमने 4:30 तक का सेशन रखा था and 4:25 we are saying that it is done from my side. So thank you. Now you can turn on your mics in case you need to talk something. You can use the chat box. You can raise hand. Okay. Whatever.